हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आज के स्कूल ओसम गैजेट से भरे वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे यूजफुल बाइक गैजेट्स जो आपको एंटरटेन करने से लेकर आपकी राइड को और भी आसान बना देंगे, और आप इनमें से कुछ गैजेट्स तो amazon.in से खरीद भी सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को पूरा आखिर तक, ताकि आपसे कोई गैजेट मिस न हो पाए। नंबर 10, हाफ बाइक 2। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हाफ बाइक 2 से। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये बाइक है हाफ यानी कि आधी, लेकिन इसे चलाने में आपको बहुत मजा आएगा, इस बात की तो गारंटी है। बस आपको पहले ही बता दूं कि इस पर बैठने बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, मतलब सीट नहीं है इसमें, इसे खड़े खड़े ही चलाना पड़ेगा। लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये आपकी एक मजेदार बाइक है जिसमें आगे एक लार्ज हैंडल, पीछे रियर साइड में दो स्मॉल साइज के व्हील रहते हैं। इसे चलाते टाइम थोड़ा वेव की तरह लहराते हुए चलाना पड़ेगा, इसीलिए तो ज्यादा मजा आएगा इसे चलाने में। और ऐसा नहीं है कि आप इसे अकेले ही राइड करो, एक और पर्सन को पीछे खड़ा करके उसे लिफ्ट दे सकते हो। हालांकि ये चीज फन एंड अजीब जरूर लगेगी, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिशनल बाइसिकल चला चला कर थक गए हो एंड कुछ नया एक्साइटिंग ट्राई करना चाहते हो, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। नंबर 9, कार्बन बाइक लाइट। अब मिलो इस हाई परफॉर्मेंस प्रीमियम ई मोटर बाइक से। वैसे इसकी लुक की बात करें तो वो इसके हाईलाइट फीचर्स में से एक है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड स्टाइलिश लगती है ये देखने में। कार्बन फाइबर से बनी होने के चलते ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग रहती है। और बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो वो रहती है 130 किलोमीटर पर आवर। और ये एक बार में कितनी दूर जा सकती है, तो वो रहती है 150 किलोमीटर तक, जो कि काफी बड़ा डिस्टेंस है अपने आप में। इसमें बैठकर जब आप इसे चलाओगे तो एक स्पोर्ट लुक आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कॉम्पैक्ट स्पोर्ट बाइक जा रही है सिटी राइडिंग के लिए। तो ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें स्पीड भी है, स्टाइल भी है एंड ड्यूरेबिलिटी भी है। ओवरऑल इट्स अ परफेक्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिक बाइक। नंबर 8, द इलेक्ट्रॉन व्हील। दोस्तों, अगर बाइक है तो उसमें पेट्रोल डालने की टेंशन, और अगर साइकिल है तो उसे पैंडल मार मार कर खींचने की दिक्कत, और नई इलेक्ट्रिक बाइक लेने का बजट नहीं है। ऐसे में मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ जो कि आपकी एक्साइटिंग नॉर्मल साइकिल को एक इलेक्ट्रिक बाइक में बदल देगा, ये इलेक्ट्रॉन व्हील। अब बताता हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। अपनी बाइसिकल के फ्रंट व्हील को खोलो, उसे हटाओ एंड उसके प्लेस पर लगा दो इलेक्ट्रॉन व्हील। इसे ऑन करो एंड आपकी बाइसिकल भागेगी 20 माइल्स पर आवर स्पीड से, यानी लगभग 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस व्हील में आप ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो, ये बेसिकली इसी में इस व्हील का पूरा शेड्यूल मौजूद रहता है। आपको ज्यादा तेज पैंडल मारने नहीं पड़ेंगे एंड फिर भी आपकी साइकिल बहुत ही फास्ट स्पीड में रन करेगी। तो अब आपको हजारों रुपए खर्च करके एक नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की जरूरत नहीं है, बस ये एक व्हील ले आओ एंड इसे लगाते ही आपकी बोरिंग बाइसिकल बदल जाएगी फास्ट वाली ई बाइक में। नंबर 7, द आर्गो कार्गो बाइक। दोस्तों, अब और एक ऐसे प्रोडक्ट से मिलिए जिससे आप अपनी नॉर्मल साइकिल को एक कार्गो बाइक में बदल पाओगे। उसके लिए बस आपको अपनी बाइसिकल से फ्रंट व्हील वाले पार्ट को सेपरेट कर लेना होगा एंड फिर उसे अटैच कर देना होगा। इससे होगा ये कि आपकी बाइसिकल रहेगी वही बाइसिकल, बस उसमें ढेर सारी चीजों को कैरी करने की कैपेसिटी आ जाएगी। इसमें आप शॉपिंग करते टाइम फ्रूट्स, वेजिटेबल या ऐसे ही कुछ सामान रख सकते हो। इसमें इतना सारा स्पेस रहता है कि एक दो बच्चे भी इसमें बिठाकर आराम से घुमाए जा सकते हैं, मतलब फैमिली टाइम को इससे फन बनाया जा सकता है। इसमें आगे की तरफ एक व्हील इंटीग्रेटेड रहता है और पीछे तो आपकी बाइसिकल का व्हील है ही पहले से। कई बार जब लोग कुछ लेने जाते हैं मार्केट से, तो बड़े बड़े बैग को हैंडल में लटकाना पड़ता है, जिससे बाइसिकल राइड करने में बहुत दिक्कत आती है। इसी सिचुएशन में ये आपके बहुत काम आ सकता है। इससे आप बहुत सारा सामान अपनी बाइसिकल के आगे रख कर आराम से कैरी कर सकते हैं। नंबर 6, एंगवे X26। अब तक जो बाइक एंड ई बाइक मैंने आपको दिखाई है वो ज्यादातर सिटी राइडिंग के ऊपर दिखाई है। वही बात करें X26 की, तो इसे आप सिटी की मक्खन जैसी स्मूथ रोड के अलावा किसी भी जगह चला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑल टेनी बाइक है। इसकी रेंज की बात करें तो वो रहती है 62 माइल्स। ये बाइक आती है ट्रिपल सस्पेंस के साथ, जिसके चलते ये खराब से खराब रास्तों पर भी बहुत स्टेबिलिटी के साथ चलती है और अपना बैलेंस बनाए रखती है। और में एक नहीं डबल बैटरी रहती है, तो इसे लेकर आप किसी ऊंची जगह पर भी चढ़ जाओगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस चलाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। और जहां आज की डेट में काफी सारी ऐसी मोटर बाइक्स हैं जिनमें अभी तक डिस्क ब्रेक नहीं आए हैं, इसी बाइक में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के ये एक परफेक्ट ई बाइक है एडवेंचर करने वालों के लिए।
नंबर 5 फेड्स क्लिक क्रिएट। दोस्तों बाइसिकल में पीछे की साइड कैरियर तो लगा ही रहता है, बट उसमें आप सोचो कि ज्यादा सामान रख लो तो नहीं रख पाओगे, उसकी कैरिंग कैपेसिटी काफी कम होती है। तो उसका सॉल्यूशन है ये डिटेचेबल क्रेट, जो आपकी बाइसिकल में एक सेकंड में लग जाएगी और एक ही सेकंड में अलग भी हो जाएगी, जैसे भी आपकी जरूरत हो। मान लो आप मॉल या मार्केट में जा रहे हो सब्जी वगैरह लेने, तो फिर सिंपली आपको सबसे पहले इस क्रेट को कैरियर से हटा लेना है, फिर इसमें लगे हैंडल जैसे पार्ट की मदद से पकड़कर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। मार्केट जाओ, सारा सामान उठाओ, उठाकर इसमें रखते जाओ जो भी आपको लेना है, एंड उसके बाद शॉपिंग हो जाए तो बस इसे लाकर लगा दो बाइसिकल में पीछे की तरफ, ये इंस्टेंटली फिट हो जाएगा, एंड बस चल दो वापस घर की तरफ। नंबर 4 रिवॉल्व। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या हो सकता है, गेस करो, मैं बताऊं, ये एक बाइसिकल व्हील है, एक ऐसा व्हील जिसे आप उठाकर इस तरह से फोल्ड करके अपने साथ कैरी कर पाओगे जहां पर भी व्हील की जरूरत पड़े, बस इसे अनफोल्ड करो एंड लगा लो। ये एक यूनिवर्सल व्हील है, यानी इसे बाइसिकल के अलावा और भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जा सकता है, लाइक अ व्हील चेयर। बेसिकली दोस्तों ये एक स्पेस सेविंग सॉल्यूशन है। आपको याद होगा मैंने आपको काफी सारी फोल्डेबल बाइक्स एंड ई बाइक दिखा रखी हैं, इसी फ्यूचर को रिवॉल्व व्हील एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। यानी अभी तक सिर्फ बाइक्स ही फोल्ड हो पाती थी, बट अब व्हील्स भी फोल्ड होने लगे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या क्या फोल्ड हो पाता है। नंबर 3 ट्रोजा बाइक। दोस्तों अब ये गैजेट ये कंफर्म कर देगा कि कुछ भी हो लेकिन आपकी बाइक चोरी नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी गई तो आप उसे ट्रैक करके उस तक तुरंत पहुंच जाओगे। नॉर्मली चोर बाइक चुराने के बाद उसमें आगे जीपीएस को निकाल देते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि कोई उसे ट्रैक न कर पाए, लेकिन ये गैजेट एक ऐसा जीपीएस है जिसे रिमूव, स्विच ऑफ या फिर डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता। जिस रोड पर बाइक की सीट लगी रहती है बस उसी रोड में इसे डाल देना होगा, ये फिर सीधे सीधे बाइक के फ्रेम में ही चला जाएगा, फिर बाइक की लोकेशन आपके पास रहेगी। अगर बच्चे बाइसिकल से स्कूल वगैरह जाते हैं तो इस गैजेट की मदद से पेरेंट्स उन पर भी नजर रख सकते हैं कि वो किस टाइम पर कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं। ये गैजेट एक बाइसिकल यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। बस जब भी अपनी बाइसिकल की लोकेशन देखनी हो, फोन निकालो, ऐप ओपन करो एंड लोकेशन देख लो। नंबर 2 जैक्ट्रॉन फोल्डिंग ई बाइक। ये तो हम सभी जानते हैं कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, यानी ई बाइक। वैसे भी ई बाइक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन सोचिए कि एक ऐसी कॉम्पैक्ट ई बाइक हो जिससे आपका कम्युनिटी का पर्पस भी पूरा हो जाए, और जब यूज ना करना हो तो उसे जैसे कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं वैसे ही उसे भी फोल्ड कर दो। तो मिलो इस जैक्ट्रॉन फोल्डिंग ई बाइक से, ये बिल्कुल ऐसी ही ई बाइक है। इसे एक बार फुल्ली चार्ज करने पर आप इसे हफ्ते भर तो आराम से चला लो, एक बार चार्ज करने पर ये 150 माइल्स तक तो चल ही जाती है, और इसके हैंडल पर एक डिस्प्ले भी रहती है जिसमें आपको स्पीड, बैटरी और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसमें एंटी सोक टेक्नोलॉजी भी रहती है। नंबर 1 चायरर X3। दोस्तों आजकल के बिजी रोड्स एंड बिजी दुनिया में ट्रैफिक के बीच से आसानी से निकाल देगा ये स्मॉल टायर वाला स्कूटर। इसमें एक रिमूवेबल बैटरी होती है जो इसके फुट प्लेटफॉर्म के अंदर इसके फ्रेम में लग जाती है, और क्योंकि ये रिमूवेबल है तो आप इसे निकाल कर आप कहीं भी चार्ज कर सकते हो। इसकी 700 वाट की मोटर इतनी पावरफुल है कि ये स्कूटर 20 डिग्री तक के स्लेब्स पर भी आसानी से चढ़ जाता है, मतलब ये अच्छी खासी स्पीड के साथ ढलान वाले इलाकों पर भी चढ़ सकता है। एंड हाँ, जब इसे चलाने की जरूरत ना हो, यानी मान लो आपको पैदल चलना हो या ट्रेन वगैरह में बैठना हो, तो सिंपली इसे ऐसे फोल्ड करके हाथ में उठा लो एंड ले जाओ। इस स्कूटर का पूरा कंट्रोल आपके फोन में इसके ऐप पर मिल जाएगा, और भले ही देखने में ऐसा न लगे बट इससे आप टोटली ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। बाकी अंधेरे में राइड करने के लिए इसमें लाइट वगैरह के फीचर भी रहते हैं। तो दोस्तों अब आपकी बारी, वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स मिलते रहें सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी शानदार नई वीडियो में।